गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीतीश कुमार चंद्राकर फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दुर्ग। टुडे सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेक्चर सी प्रोलॉग, बी एट सेम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। आज हम जो है प्रोलॉग का थर्ड प्रोग्राम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम सी प्रोलॉग ओपन करेंगे। ये आपका सी प्रोलॉग है। इसके लिए हम सबसे पहले ये जो है आपका सी प्रोलॉग का विंडो है, इसमें फाइल में जाएंगे, न्यू को ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हम उस प्रोलॉग फाइल का सोर्स यहाँ से सेट करेंगे और उस फाइल का नाम देंगे यहाँ पे pro3.pl। pl इज़ अ प्रोलॉग। यहाँ पर अब हम यहाँ पे प्रोलॉग 3 जो है नाम से फाइल बना दिए। अब हम इसको सेव कर दिए। ये जो है वो सेव हो जाता है। जैसे कहाँ पर सेव हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है सी ड्राइव में यूज़र्स के अंदर, पीसीटी के अंदर, माय डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोलॉग है। यहाँ पर ये इस तरह से आपका टेस्ट 3 जो है वो सेव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोलॉग ये इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज़ एक लिखते हैं वैल्यूएबल गोल्ड। यहाँ पर हमने गोल्ड लिखा, वैल्यूएबल गोल्ड के नीचे फीमेल ब्रैकेट जाने। इस तरह से हम क्या किए, यहाँ पर भी डॉट आएगा। ओन्स, उसके बाद यहाँ पर मैंने ये लिखा कॉमा गोल्ड। ये प्रोलॉग का कोडिंग है। प्रोलॉग का कोडिंग इसी तरह से होता है। यहाँ पे फादर स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर जॉन जॉन मैरी। जॉन जो है वो फादर है मैरी का। यहाँ पर जॉन जो है वो फादर है मैरी का। जॉन जो है के पास गोल्ड है, जॉन के पास गोल्ड है, और जॉन जो है वो जाने जो है वो फीमेल है, और गोल्ड जो है वो वैल्यूएबल है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का हम फैक्ट्स निकालेंगे, और ये फैक्ट्स का ये जो हम देख रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रूल्स। इसी के थ्रू क्या होता है, सॉल्व होता है। गिव्स, क्या गिव कर रहा है, जॉन बुक गिव कर रहा है इसको मैरी को। तो इस तरह से ये जो है वो कोडिंग हो गया। अब कोडिंग होने के बाद अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर ये जो सी प्रोलॉग का जो विंडो है, यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। रन, ये जो हम कोडिंग किए हैं इसको हम रन करेंगे। तो हम इसको अभी स्मॉल कर देते हैं, बॉक्स का साइज छोटा। हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे,
प्रोग्राम को टाइप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपाइल में गए। कंपाइल में जाने के बाद ये कंपाइल बफर है, इसको क्लिक किए यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रन करेंगे, तो सबसे पहले फादर फादर टाइप किए, मैरी कॉमा जाने, मैरी कॉमा जाने। अब हम अगर रन करते हैं तो फॉल्स दिखाएगा। क्यों फॉल्स दिखाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉन जो है वो मैरी के फादर है, बट हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, जाने का फादर मैरी, तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग, सो आउटपुट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर फादर टाइप करेंगे, फादर के बाद हम यहाँ पर ये जाने लिखेंगे, फिर मैरी, मैरी लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। यहाँ पर भी आपको क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर फॉल्स इसलिए बताया है क्योंकि जाने जो है वो, तो यहाँ पर जो है वो जाने जो है वो फादर बता रहा है मैरी का, बट यहाँ पर हमने उस तरह से कुछ नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पर हम नया कोडिंग करेंगे, अब फादर लिखेंगे यहाँ पर, फादर और ब्रैकेट में हम मैरी डॉट जाने, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर एरर बताएगा, एरर इसलिए बताएगा क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने डॉट यूज़ किया, कॉमा आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं फादर मैरी, उसके बाद जाने, उसके बाद डॉट। अब यहाँ पर फॉल्स बताएगा, सेम रीज़न है, फॉल्स इसीलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर मैरी बता रहा है फादर है जाने का, जबकि यहाँ पर फादर कौन है, जॉन है मैरी का, इसलिए यहाँ पर एरर बताया। अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे फादर, फादर के बाद यहाँ पर हम लिखें मैरी कॉमा जॉन, तो यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं तो भी एरर बताएगा, फॉल्स। क्यों? यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैरी जो है वो फादर बता रहा है जॉन का, जबकि यहाँ पर जॉन जो है वो फादर है। तो यहाँ पर फादर लिखेंगे, कौन फादर है, जॉन फादर है किसका, मैरी का। अब यहाँ पर ट्रू आएगा, ट्रू क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेम हम अगर वैसी यहाँ पर ओन्स लिखेंगे और यहाँ पर जॉन लिखते हैं कॉमा मैरी अगर टाइप करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने गोल्ड है,